ये हमारे पास बैटरी है, इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें वायर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। इनको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल वायर्स। ये हमारे पास जो रेड वायर है ये हमारे पास शो कर रही है कि इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और ब्लैक वायर को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ये इस तरह से कनेक्ट होगा। इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। अभी हमने बैटरी को इसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो दूसरे जो हमारे पास इसका दूसरा एंड है वायर्स का, ये भी हमारे पास क्रोकोडाइल वायर जो है इसको हमने एक गेट ले लेना है कोई सा भी, और यहाँ पे हमने इसकी नॉब्स को लूज़ भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, और इसको हमने नीचे से कनेक्ट कर लेना है। बैटरी अभी हमारे पास गेट के साथ कनेक्टेड है, तो अभी हम बैटरी का जो स्विच है वो हम लोग सॉकेट में डाल देंगे। तो ये हमारे पास गेट ऑन हो गया। अभी हम नॉर गेट का ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने लगे हैं। अभी हमारे पास नॉर गेट जो है इसमें हमारे पास इनपुट में की ए है और की बी है। जो की ए है उस वो हमारे पास ये बनी हुई है, इसके साथ लिखा हुआ है की ए, और जो हमारे पास की बी है वो हमारे पास साथ ये बनी हुई है की बी। अभी इसको जब हम लोग वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये इन्वर्ट होगा, तो 0 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। वैसे तो 0 0 0 ही आता है आंसर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्वर्ट होगा तो हमारे पास 0 0 1 आ जाएगा, इसलिए हमारे पास रेड लाइट शो कर रही है कि हमारे पास स्विच ऑन है। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ है कि की 1 जब हमारे पास 0 होगी तो हमारे पास कोई फ़र्क ये। अभी सेकंड स्टेप में की बी के साथ हमारे पास 1 लिखा हुआ है, मतलब हमने की बी को 1 मतलब ऑन करना है, तो हम इसको जब ऑन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 0 हो जाएगी, लाइट ऑफ। उसके बाद जब हमारे पास थर्ड स्टेप है तो हमने की ए को ऑन करना है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 0 ऑफ हो जाएगा। अभी हमने की ए को भी प्रेस करना है, की बी को भी प्रेस करना है, जब दोनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 0 हो जाएगा। अभी हमने इन दो कीज़ को देखकर नॉर गेट का ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर लिया है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास रेड लाइट ही ब्लिंक करेगी, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकती है और यहाँ पे भी रेड हो सकती है।